दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पुट लाइफ फिलटेक में। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैलेंजर मैच के बारे में केएफसी यूएस लीग के, जो कि फिलहाल खेला जाएगा सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में। दोस्तों इस मैच में जो है जो भी टीम विन करेगी भाई वो जो है फाइनल खेलेगी, अदरवाइज जो हारेगी वो मतलब समझ लीजिए कि फाइनल से बाहर हो जाएगी। एंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस मैच में अपनी ग्रांड टीम स्मॉल टीम या हिट टीम किस प्रकार से बनाएंगे या तो विन कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये वीडियोज आप कंप्लीटली अगर इन तक देख लेते हैं तो समझ लीजिए सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियोज में मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में आपको इस मैच से रिलेटेड हेड रिकॉर्ड्स, फेन रिकॉर्ड्स, प्लेयर स्टेट्स, पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन, ग्रांड लीग की टीम सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं। गाइस अगर हम बात करें मैच स्टार्ट कब होगा, 2 फरवरी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 1:45 यानी कि दोपहर में गाइस। और ये केएफसी गाइस लीग का चैलेंजर मैच होगा, यानी कि पार्थ स्कोटस टीम जो है फाइनल में पहुंच चुकी है। जो टीम यहां पे भाई दोनों टीम से जो मैच विन करेगी वो जाकर के पार्थ स्कोटस टीम से फाइनल खेलने वाली है। एंड अगर हम बात करते हैं टीम न्यूज के बारे में दोस्तों, सिडनी सिक्सर्स टीम ने रिसेंट खेले हैं 15 मैच जिसमें कि 10 विन है, 4 लॉस है, 1 मैच का नो रिजल्ट है। टीम की कप्तानी जो है मॉइसेस हेनरिक कर रहे हैं। ब्रिस्बेन हीट टीम के अगर हम बारे में बात करते हैं, इस टीम ने दोस्तों 16 मैच खेले जिसमें कि 8 विन है, 7 लॉस है, 1 मैच का नो रिजल्ट है। टीम की कप्तानी जो है जेमी पेयरसन कर रहे हैं। हेड रिकॉर्ड्स अगर हम बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल दोनों टीम के बीच में लास्ट 3 इयर्स में यानी कि बिग बैश लीग के 7 मैच खेले गए हैं जिसमें कि सिडनी सिक्सर्स ने 4 विन करे हैं, ब्रिस्बेन हीट ने 2 और 1 मैच का नो रिजल्ट है। तो हेड रिकॉर्ड्स को देखते हुए सिडनी सिक्सर्स का परफॉर्मेंस गजब है, पर देखते हैं आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सी टीम विन करने वाली, तो आप लोग कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। एंड अगर हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। और इस ग्राउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों ये पिच जो कि रहेगी बैलेंसड रहने वाली है और पेस बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प रहती है, यानी कि 110% में अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फिलहाल 60% यहाँ पे मतलब पेस बॉलर्स के लिए हेल्प रहेगी, 50-40% यहाँ पे गैस जो है स्पिन बॉलर्स के लिए हेल्प रहती है। टोटल मैच अगर हम देखते हैं बिग बैश लीग की, इस पिच पे जो है 56 खेले गए जिसमें कि जो टीम पहले बैटिंग रही उसने 28 विन करें और चेस करने वाली टीम है दोस्तों यहाँ पे 27 और 1 मैच का रिजल्ट। तो गैस जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो भी टीम यहाँ पे भाई मतलब कि टॉस विन करेगी तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, चाहे वो पहले बैटिंग कर ले चाहे चेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप जो रिजल्ट है रिकॉर्ड है वो मतलब इक्वल है, बराबर का है। हाई स्कोर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो ग्राउंड पर बना है 213 का, लोवेस्ट यहाँ पे 45 का बना है। देखिए टोटल तो यहाँ पे अभी रिसेंट इस सीजन के बिग बैश लीग के 6 मैच खेले गए हैं, बट गाइस यहां पे मैंने 3 मैच का स्कोर कार्ड आपके सामने रखा जिससे कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझ आ जाएगा कि भाई यहां पे हाईएस्ट स्कोर भी बन सकता है। गाइस अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लोवेस्ट जो बना है दोस्तों यहाँ पे रिसेंट वाले ही मैच में, मतलब कि जो सिडनी सिक्सर्स टीम यहाँ पे खेलने वाली है और आपको यहाँ पे रिसेंट खेल करके दिखाई है इसने, इस टीम ने जो कि 187 रन बनाया तो 2 विकेट के नुकसान पे 19 ओवर में गाइस। और ये मैच देखिए थोड़ा सा टाइम के चलते कम ओवर का हो गया था, 19 ओवर में ही खत्म हुआ था। बाकी आप देखिए 187 रन 2 विकेट के नुकसान पे 19 ओवर में, और सिडनी थंडर्स टीम जो है चेस कर रही थी 62 पे ऑल आउट हो गई थी, मतलब लोवेस्ट यहाँ पे 62 रन गाइस और यहाँ पे देख सकते 187 रन हाईएस्ट बना है। तो मतलब कहीं ना कहीं टीम पे भी डिपेंड करने वाला, और वही रिजल्ट आप देख रहे हैं कि सिडनी सिक्सर्स टीम जो है भाई अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करके आ ही रही है। तो यार उम्मीद रहेगी सिडनी सिक्सर्स फिर से यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देगी, और आपको क्या लगता है कौन सी टीम फाइनल में जानी चाहिए दोनों टीम से, तो यार कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स के प्लेइंग 11 के बारे में, जोस फिलिप, स्टीवन स्मिथ दोस्तों ये रिसेंट जो कि आपको ओपन करते दिखाई दे रहे हैं इस टीम के लिए। जोस फिलिप की अगर हम बात करते हैं रिसेंट 15 मैच खेले जिसमें कि 250 रन यानी कि 250 रन बना चुके हैं, 17 करोड़ से बैटिंग करें। हेड कॉर्ड से अगर हम बात करते हैं तो 9 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 198 रन बनाए हैं, 28 करोड़ से बैटिंग करें, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हैं और एडवांटेज वाले प्लेयर होंगे गाइस, मतलब हेड रिकॉर्ड्स को देखते हो। बट वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर थोड़ा सा अगर हम नजर डालते हैं तो 25 मैच इन्होंने खेले इस ग्राउंड पर जिसमें 781 रन बनाए हैं, 35 करोड़ से बैटिंग करें गाइस, तो कहीं ना कहीं यार जोस फिलिप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहने वाले हैं। बट रिसेंट अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं 4 मैच में तो लगातार भाई ये फ्लॉप है, ठीक है। तो फ्लॉप को देखते हुए किसी न किसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट गाइस इग्नोर नहीं करना इस प्लेयर को, और एडवांटेज जरूर रहेगा इस प्लेयर के पास। देखिए फाइनल मैच होने वाला है गाइस, मतलब कि जो टीम भाई यहाँ पे विन करेगी वो फाइनल खेलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग यार जोस फिलिप तो कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे, और हेड रिकॉर्ड्स वेन रिकॉर्ड्स ही इनका गजब का है। स्टीवन स्मिथ की अगर हम बात करते हैं, रिसेंट दोस्तों इन्होंने 5 मैच खेले एंड यहाँ पे 5 मैच दोस्तों इन्होंने 346 रन बनाए, 86 करोड़ से बैटिंग करें, और आप भाई देख रहे हैं कि 2 भैया अर्धशतक लग जो कि लगातार उसके बाद फिर अर्धशतक यहाँ पे कंप्लीट बनाए इन्होंने, मतलब ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं। हेड कॉर्ड से अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल 3 मैच में 29 रन है, 29 करोड़ है। एंड अगर हम बात करते हैं स्पिच पे 12 मैच दोस्तों 524 रन बनाए हैं स्टीवन स्मिथ ने, इसमें 74 करोड़, तो कहीं ना कहीं यार बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, एडवांटेज वाले प्लेयर रहेंगे ग्राउंड को देखते हुए। और आप देख भी रहे हैं कि बैक टू बैक भाई डबल सेंचुरी लगा करके आए, मतलब यहाँ पे 1 सेंचुरी और यहाँ पे भी, तो डबल हो ही गई, तो मतलब मेरे हिसाब से इनको टीम में रखेंगे, और वेन्यू को देखते हुए मतलब टीम में हम इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। बट गाइस आप रिसेंट जो कि देख रहे हैं यहाँ पे खेल करके आ रहे हैं 18 ही रन, तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट यार इग्नोर तो करना नहीं है, हाईएस्ट रिकॉर्ड वाले प्लेयर्स हैं तो यार कैप्टन तो जरूर रखना है अपने ग्रांड लीग की टीम में। कर्टिस पैटरसन की हम बात करते हैं, रिसेंट दोस्तों इन्होंने 12 मैच खेले
जिसमें कि 223 रन बनाए हैं, 18 किलो से बैटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लास्ट परफॉर्मेंस इनका देख सकते हैं कुछ खास नहीं रहा है दो तीन मैच में। हेड गॉड्स की बात करते हैं, 6 मैच में 130 रन 26 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। इस ग्राउंड पर अगर बात करते हैं 7 मैच में 146 रन 24 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। तो गाइस आपको देखिए फिलहाल सिडनी सिक्सर्स के जो प्लेयर रहेंगे बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइन बहुत ही मजबूत दिखाई देगा क्योंकि जो है इस ग्राउंड पर ये अच्छा परफॉर्मेंस करके भी आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो कर्टिस पैटरसन की अगर हम बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस को देख करके गाइस, अगर चार टीम बनाते हैं दो टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी हेड रिकॉर्ड्स मेन रिकॉर्ड्स को देखते हो दोस्तों पिक भी कर सकते हैं आप। मोइसेस अनिक की बात करते हैं टीम के कैप्टन गाइस, और आप रिसेंट देख रहे हैं इनको मैं सभी टीम में लेकर के आपको दे रहा था, बट गाइस यहां पे आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। यहां पे 45 रन नॉट आउट, उसके बाद 23 रन नॉट आउट, यहां पे फिर लास्ट मैच में 58 रन वो भी नॉट आउट गाइस। तो मतलब कहीं ना कहीं जो यार कप्तान से चाहिए होता है एक टीम को, तो भाई वो मोइसेस अनिक कर रहे हैं लास्ट के मैच में। आप देख रहे हैं कि मतलब 3 से 4 मैचेस में लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके पहले के जो मैच थे भाई पूरा मतलब कि थे कुछ अच्छा स्कोर उन्होंने नहीं दिया, बट यार लास्ट में बहुत ही कमाल और अपने टीम को जो है अच्छी मतलब दिशा में लेकर के जा रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है फाइनल भी खेल सकते हैं। रिसेंट 15 मैच में दोस्तों खेले जिसमें 302 रन बनाए, 30 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। हेड क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं 14 मैच में 267 रन बनाए हैं, 26 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। एंड वेन्यू की अगर हम बात करते हैं इस ग्राउंड पे 48 मैच में 229 रन बनाए हैं, 32 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। और देखिए गाइस यहां पे मोइसेस अनिक जो है मतलब इस ग्राउंड पे सबसे हाईएस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर्स हैं, और तो कहीं ना कहीं यार भली बात ही जानते होंगे इस ग्राउंड को बहुत अच्छे तरीके से, 32 का एवरेज रखना भाई कोई कम बात नहीं होती। 26 करोड़ हेड क्वार्टर मतलब समझ लीजिए कंसिस्टेंट है। मोइसेस अनिक हमारे टीम में रहेंगे गाइस, अगर आप पार्टिसिपेशन को ड्रॉप करते हैं तो मोइसेस अनिक तो टीम में रहना ही ना पड़ेगा क्योंकि कैप्टन गाइस पूरा जोर लगा देगा बंदा मतलब की रन बनाने के लिए। जॉर्डन सिल की हम बात करते हैं गाइस, तो रिसेंटली है इन्होंने 15 मैच खेले हैं जिसमें कि 353 बनाए हैं, 50 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे थे कि इनको कुछ मैचेस में यहाँ पे बैटिंग नहीं मिली थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे कुछ बैटिंग मिली बट 2 रन। एंड गाइस यहाँ पे ज्यादातर ये नॉट आउट रहते हैं आपको पता है, ये देख लीजिए और लास्ट वाले मैच में भी 47 वो भी नॉट आउट हैं। हेड कॉर्ड्स की बात करते हैं 12 मैच में 229 रन है, 28 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। स्पिच पर अगर हम बात करते हैं 44 मैच 724 रन है, 32 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। तो यार कंसिस्टेंट प्लेयर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं इस टीम के लिए, मतलब जो इस टीम में आपको रहेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन करना है। जैसे कि देखिए जॉर्डन सिल्क है रिसेंट बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यार जॉर्डन सिल्क हमारे टीम में रह सकते हैं, मोइसेस अनिक रह सकते हैं गाइस। एंड उसके बाद यहाँ पे कर्टिस पैटरसन को ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हैं फर्स्ट ग्रैंड लीग में, स्टीवन स्मिथ को पिक कर सकते हैं गाइस। उसके बाद जॉस फिलिप देखिए रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्लॉप है, तो फ्लॉप को देखते हुए रिसेंट परफॉर्मेंस को देखकर भी ड्रॉप कर सकते हैं। एंड गाइस हेड गॉड्स वेरी गॉड्स को देखते हुए एक टीम में पिक भी कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको करना है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं डैन क्रिस्टन, रिसेंट 15 मैच जो है इन्होंने 82 रन बनाए हैं, साथ ही साथ इनको अगर बात करते हैं विकेट की 4 ही विकेट है। हेड गॉड्स की बात करते हैं 14 मैच में 245 रन 27 करोड़ से बैटिंग कर, 14 मैच में 13 विकेट भी है दोस्तों इनको, बट 11 परसेंट देख रहे हैं स्पेल के और भी इनको कंफर्म नहीं मिलते कि 4 ओवर मिले। एंड साथ ही साथ इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक नहीं रहा है। वेन्यू अगर हम बात करते हैं 17 मैच में 108 रन है, 8 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं और 17 इनिंग में दोस्तों 10 विकेट मिली, तो कहीं ना कहीं यार फ्लॉप ही रहने वाले हैं। तो क्या करना गाइस आपको उनको समझ सकते हैं कि ड्रॉप कर देना है। सेन नेबर की बात करते हैं भाई, बैक टू बैक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ये नजर आ रहे हैं, और मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं तो भाई बहुत ही अच्छी है, मतलब 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट और यहाँ पे भी 3 1 विकेट, मतलब बैक टू बैक बंदा विकेट प्रोवाइड कर रहा है। 14 मैच टोटल खेले रिसेंट 44 रन है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 28 विकेट हो चुके हैं, मतलब एक मैच में डबल, मतलब इनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखते हैं विकेट लेने का, तो भाई एक मैच में इनको 2 विकेट मिले जिस हिसाब से इन्होंने विकेट लिए, 14 मैच में 28 विकेट गए। हेड गॉड्स अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल इन्होंने जो है 12 मैच खेले जिसमें 94 रन बनाए हैं, साथ ही साथ 12 मैच में 26 विकेट हैं। तो गाइस मतलब कि टीम के गेस में भी इनका स्ट्राइक रेट गजब है, मतलब कि देख सकते हैं 10 का स्ट्राइक रेट है, मतलब समझ सकते हैं कि टीम में रखना ही पड़ेगा गाइस। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं पिच पे, तो 42 मैच इन्होंने खेले 256 रन बनाए, 19 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, बट यार बैटिंग पर डिपेंड नहीं रहना, बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं 42 मैच में 71 विकेट भी हैं, तो यार बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है सेन, बट यार मेरे हिसाब से इनको आप कैप्टन कर लीजिएगा, वाइस कैप्टन स्मिथ के साथ इनका कॉम्बिनेशन कर लीजिए, बाकी आप मतलब चाहे स्टीवन स्मिथ को कैप्टन या वाइस कैप्टन को कर लीजिए, बट यार गाइस सेन नेबर को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना कैप्टन के लिए, मतलब बढ़िया बंदा परफॉर्मेंस देगा। हेड गॉड्स मेन रिकॉर्ड्स जिस हिसाब से इनके हैं, हेड रन करके अगर हम बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल रिसेंट जो है इन्होंने 15 मैच खेले हैं जिसमें कि अगर हम बात करते हैं विकेट की, तो 16 ही विकेट है। एंड लास्ट मैच इनको 2 विकेट मिली गई, और आपने देखा भी है कुछ खास यहाँ पे नहीं रहे, मतलब 2-3 मैचेस में लगातार ये फ्लॉप भी हुए हैं गाइस। हेड गॉड्स अगर हम बात करते हैं 4 मैच जो है इन्होंने 6 विकेट लिए हैं, एंड अगर हम बात करते हैं वेन्यू पे 14 मैच 14 विकेट है, तो यार थोड़ा बहुत ही रिस्की रह सकते हैं, मतलब 1 विकेट मिले उसके चांसेस भी बनेंगे और फिलहाल ना मिलने के भी चांसेस बन सकते हैं गाइस। तो क्या करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क नहीं लेना, टीम में अगर हम पिक करने की बात करते हैं टीम में रखेंगे, बट सभी टीम में लेकर के भी नहीं जाना हमें। बेन डॉर्सेट की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल रिसेंट जो है 11 मैच में इनको 51 रन एंड साथ ही साथ 14 विकेट है। हेड गॉड्स अगर हम बात करते हैं 12 मैच में 13 विकेट है, इस ग्राउंड पे 32 में 40, तो ठीक परफॉर्मेंस है गाइस, बट जो सामने वाली टीम का बैटिंग लाइनअप को देखते हुए हम यहाँ पे बॉलर्स को सेलेक्ट करेंगे, अगर बैटिंग लाइनअप वहाँ पे कमजोर है गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे बॉलर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स के साथ। बाकी अगर वहाँ पे बैटिंग लाइनअप कमजोर है गाइस, तो फिलहाल जो ड्रीम इलेवन का न्यू फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम जब कम बॉलर्स को रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बट यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स आपको पता है 180 प्लस रन बना करके आ रहे हैं इसी ग्राउंड पर अभी फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके,
तो यार उसको भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड बेंड वर्सेस की बात करते, देखिए परफॉर्मेंस तो ठीक है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स में सभी टीम में रखना नहीं, सभी टीम में ड्रॉप भी नहीं करना। कॉफी की अगर बात करते गाइस, इस मैच में आपको देखने को मिलेगा, और लास्ट मैच भाई जो इन्होंने खेला है भाई आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस, 2 विकेट और 4 विकेट। हिट रिकॉर्ड्स की अगर बात करते गाइस, तो फिलहाल 9 मैच में 7 विकेट है इस ग्राउंड पे, 37 में 38 है। बट गाइस अगर आप देख रहे हैं जो फिलहाल रिसेंट इनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही गजब, 8 में 12 विकेट है हर मैच में। बट जो हेड रिकॉर्ड्स ओल्ड मैचेस 9 में 7 विकेट और ग्राउंड पे 37 में 38 विकेट, तो ये थोड़ा सा रिस्की लग सकते हैं, ठीक है। बट यार लास्ट मैचेस देख करके थोड़ा टीम से इनको ड्रॉप करने के लिए सोचना भी नहीं है आपको। नवीद की बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल ये जो है 8 मैच में फिलहाल इनको विकेट 7 मिले हैं। हेड रिकॉर्ड्स का एक भी मैच नहीं इस ग्राउंड पे भी दोस्तों, एक भी मैच नहीं है। बट गाइस आपको बता दूं कि देखिए इनको सभी लोग ड्रॉप करके जाने वाले हैं। बट अगर हम बात करते हैं यार किस प्रकार के प्लेयर हैं स्पिन बॉलर्स गाइस, ओवरऑल टी20 लीग के अगर आप देखते हैं तो 18 इनिंग में इनको 19 विकेट मिली है। बट बिगेस्ट लीग में थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिसेंट भी इन्होंने जो है कोई विकेट नहीं ली। बट यार इग्नोर करने वाले प्लेयर्स बिल्कुल ही नहीं रहने वाले गाइस, ठीक है। मतलब ट्रंप के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, चांसेस बन सकते हैं इनके, क्योंकि सभी लोग इनको ड्रॉप करने वाले हैं। बेंच प्लेयर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। गाइस मैंने क्या कहा, वहाँ पे जो बॉलर्स उस टीम के हैं, जो मतलब कि सिडनी सिक्सर्स के जो कि प्लेइंग 11 रहने वाली, वहाँ पे बॉलर्स जो है बेंड वर्सेस उनको पिक करना है कि नहीं पिक करना, तो पहले हम ब्रिस्बेन हीट की बैटिंग लाइनअप देखने वाले। और दोस्तों आपको पता है इस टीम के जो भाई बैटिंग लाइनअप वो भी बहुत मजबूत है। एंड आपको गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से रिस्की जो कि फिलहाल नजर आ सकती है प्लेइंग 11, उस्मान ख्वाजा जहां तक दोस्तों आपको इस मैच में देखने को नहीं मिलने वाले। और रिसेंट आप देख रहे हैं बैक टू बैक 2 मैचेस में बहुत कमाल की उन्होंने बैटिंग करी है। बट दोस्तों अगर आते हैं यार प्लेइंग 11 में कोई दिक्कत नहीं है, उनको पिक जरूर करना है, कैप्टन का रिस्क भी आप उनके ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार नहीं आने वाले प्लेइंग 11 में, 90% जो है चांसेस नहीं रहेंगे उनके प्लेइंग 11 में। एंड कैसे अगर हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में ब्रिस्बेन हीट टीम के, तो जोस ब्राउन राइट हैंडेड बैट्समैन मैक्स पर्यंत के साथ ये ओपन करते नजर आएंगे, और आपको मैक्स पर्यंत दोस्तों इस मैच में देखने को मिलने वाले हैं। जोस ब्राउन की हम बात करते हैं 12 मैच में 213 रन है, 17 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। हेड क्वार्टर अगर हम बात करते हैं 1 मैच में 62 रन है और 65 के ही ओवर से बैटिंग करते हैं सिडनी सिक्सर्स के गेस में। तो मतलब कहीं ना कहीं यार प्लस ठीक ठाक बैटिंग कर रहा है हेड क्वार्टर में, तो गाइस क्या करना टीम में आपको पिक कर लेना। मैक्स बर्मन की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल 7 मैच में 110 रन बनाए हैं जो कि 15 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं हेड क्वार्टर के, तो 7 मैच में 164 रन 23 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं इस ग्राउंड पर, 3 मैच में 23 रन 7 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं मैक्स बर्मन तो रिस्की रहने वाले हैं, क्या करेंगे हम इनको टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने है 18 और 36 और यहाँ पे 46 रन भी दोस्तों इन्होंने बनाए। तो देखिए उस्मान ख्वाजा अगर आएंगे तो पक्का हमारी टीम में रहेंगे, अगर नहीं आते तो यार इनको हम सभी टीम में लेकर के जाने वाले भी नहीं। नथन एमसी स्वीनी दोस्तों आपको मैच में देखने को मिल जाएंगे, 3 मैच इन्होंने खेले हैं जिसमें कि 118 रन बनाए हैं, 59 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। हेड टू अगर हम बात करते हैं 2 मैच में 95 रन है, 47 करोड़ से बैटिंग करें इस मैच में। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड पे 1 मैच में 11 रन है, यार दोस्तों हेड क्वार्टर का बहुत ही ज्यादा कमाल है, कंसिस्टेंट है, बट ग्राउंड पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो टीम में रख लेंगे। बट कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क आपको नहीं लेना है। बात करते हैं सेम है जो कि मिडिल ऑर्डर पे आपको बैटिंग करते नजर आएंगे राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट 7 मैच में दोस्तों इन्होंने 152 रन बनाए हैं, 50 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, 2 मैच में लगातार नॉट आउट है। बट अगर यहाँ पे उस्मान ख्वाजा नहीं आएंगे गाइस, तो फिलहाल इनको जरूर बैटिंग मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्स बर्मन का जो बैटिंग लाइन है थोड़ा सा कमजोर है, बट यहाँ पे बैटिंग जरूर आ जाएगी। तो उसके हिसाब से हम सेम है को रख सकते हैं, जब उस्मान ख्वाजा नहीं आएंगे प्लेइंग में और मैक्स बर्मन को ड्रॉप करेंगे तो इनको जरूर हम टीम में ट्राई करेंगे गाइस, क्योंकि जो है ओवरऑल बिगेस्ट लीग के 7 मैच दोस्तों 152 रन 50 करोड़ से बैटिंग करें। और दोस्तों इन्होंने आपको पता है कि 73 रन भी ओपनिंग आउट लगाए हैं अभी रिसेंट ही। रोस वाइड लेकर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, रिसेंट 9 मैच में 74 रन है, 14 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं गाइस। अगर हम बात करते हैं हेड क्वार्टर के, तो 1 मैच में 6 रन है। और वेन्यू पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वेन्यू पे एक भी मैच नहीं, तो यार कहीं ना कहीं इनका जो चांस रहेगा कि डेथ में बैटिंग करने आएंगे रोस वाइड की, बैट्समैन गजब के हैं। एंड अगर हम बात करते हैं बिग बैस लीग में, तो दोस्तों 14 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, बट यार हम इनको ड्रॉप ही कर देंगे। पेर्सन की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो आपको फिलहाल ये जो है विकेट कीपर मिलने वाले हैं। एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं राइट हैंडर बैट्समैन है, रिसेंट 16 मैच में 324 रन बना रहे हैं, 27 करोड़ से बैटिंग करें। हेड वॉर्स की बात करते हैं 14 मैच में 252 रन है, 23 करोड़ से बैटिंग करते हैं। ग्राउंड पर अगर हम बात करते हैं 5 मैच में 61 रन है, 15 करोड़ से, तो यार ग्राउंड पे फ्लॉप है, बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे डेथ में है बैटिंग ऑर्डर, तो गाइस क्या करेंगे इनको भी हम अपनी टीम से ड्रॉप करते हैं फर्स्ट ग्रांड लीग टीम में। जेम्स प्रेस्टी की अगर हम बात करते हैं, स्पेस वाले प्लेयर रहेंगे गाइस, बट आप देख रहे हैं कि रिसेंट इनको बैटिंग नहीं मिली और स्पेल कर तो मिलने ही मिलने 4 वो तो कंफर्म ही गाइस। रिसेंट 13 मैच में जो है इनको 16 विकेट मिल चुकी हैं और 113 रन भी इन्होंने बनाए हुए हैं। हेड रिकॉर्ड्स की अगर बात करते हैं 5 मैच में 30 रन है, 10 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 5 मैच में 5 विकेट भी हैं। ग्राउंड पर अगर बात करते गाइस 1 मैच में 8 रन है और 1 मैच में 2 विकेट भी है। तो यार रिसेंट देखिए ये जो कि माइनस हुए थे जेम्स बेजली आपको पता होगा, बट गाइस इस मैच में आपको जरूर पिक करना ट्रंप रहेगा बंदा, क्योंकि यहाँ पे 1 मैच इस ग्राउंड पे भी 2 विकेट लेकर के जा रहा और हेड रिकॉर्ड्स में 5 में 5, तो चांस रहेंगे टीम में दोस्तों आपको ड्रॉप नहीं करना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। माइकल लिसर की अगर बात करते हैं दोस्तों,
डाल रिसेंटली उन्होंने 15 मैच खेले एंड माइकल नेसर की हम बात करते हैं जो विकेट की तो 15 मैच 24 विकेट है, हेड रिकॉर्ड्स 8 मैच है दोस्तों 72 रन है, साथ साथ 8 मैच 12 विकेट है, मतलब भाई ट्रंप रहेगा बंदा। और वेन्यू की हम बात करते हैं 2 मैच में 3 विकेट भी हैं गाइस, बट देखिए थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से रिस्की भी हो सकती है जो कि सामने टीम है भाई जो वो सिडनी सिक्सर्स गाइस, तो आपको पता है वहाँ पे जो ऐसे प्लेयर मौजूद है बैटिंग लाइन मतलब थोड़ा बहुत इस टीम को देखते हुए मजबूत है। तो यार मिचेल नेसर को अगर हम बात करें टीम में रखेंगे तो रख सकते हैं गाइस, वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं बट कैप्टन का रिस्क आपको नहीं लेना गाइस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्स बार्लेट जो कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा भाई, अभी रिसेंट ही प्लेइंग में शामिल हुए और उसके अकॉर्डिंग आपने देखा 3 विकेट निकाली बंदे ने और मैंने कह दिया था कि भाई टीम में रख लीजिए, पिक भी कर दिया था मतलब कि मार्क कर दिया था गाइस। हेड गॉड से हम बात करते हैं 3 मैच 3 विकेट इस ग्राउंड पे, 1 मैच 2 विकेट, तो बंदा फिर से यहाँ पे ट्रंप रहने वाला है, तो यार टीम में आप इनको जरूर लेकर के जाइए। स्पेंसर जॉर्गिंसन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर्स हैं, रिसेंट दोस्तों उनको 8 मैच में 5 विकेट मिली है और रिसेंट अगर हम बात करते हैं लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं है, हेड गॉड्स की एक भी मैच नहीं है, स्पिच पे भी दोस्तों एक भी मैच नहीं है, 8 मैच इन्होंने खेले भी वेस्ट लीग के अभी तक 5 विकेट हैं, सभी लोग ड्रॉप करेंगे गाइस, बट ये पेसर बॉलर्स है। थोड़ी बहुत देखिए आपको पता है जब सामने वाली टीम मजबूत होती है बैटिंग लाइन मजबूत होता है तो जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स होते हैं उनको विकेट नहीं मिलती, बट गाइस आपको बता दूं जो कुछ ऐसे बॉलर्स होते हैं जिनको कोई पिक नहीं करता तो उनको विकेट मिल जाती है गाइस, तो उस हिसाब से आप इनको भी पिक कर सकते हैं। मैथ्यू कोमैन की बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल आप देख रहे हैं स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट भाई बहुत खराब परफॉर्मेंस इनका रहा है, सभी मैच कोई विकेट नहीं मिली, स्टार्टिंग मैच बढ़िया परफॉर्मेंस था, रिसेंट 16 मैच में भाई 12 विकेट है। हेड गॉड्स की बात करते हैं 3 मैच 2 विकेट है, इस ग्राउंड पे एक भी मैच नहीं है, बिग बैस लेके अगर बात करते हैं 30 में 23 विकेट, तो यार रिस्की रह सकते हैं स्पेंसर जॉनसन या तो मैथ्यू कोमैन, दोनों में किसी एक को ही आपको पिक कर लेना गाइस। बट गाइस देखिए आपने जो प्लेइंग एलेवन देखी टीम की थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही हो, उस्मान ख्वाजा क्यों नहीं आप सोच रहे होंगे, देखिए मैं अगर बात करूँ उनको आने की तो यार आते हैं गाइस, तो फिलहाल हम टीम में जरूर पिक करेंगे और आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत नहीं वो मतलब उनके चांसेस बहुत ही कम रहने वाले इस मैच के लिए। जैसे अगर आप आते हैं तो फिर मैं उनका रिकॉर्ड्स बता देता हूं, उस्मान ख्वाजा जो है 9 मैच में 207 रन 34 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है गाइस मतलब कि हेड रिकॉर्ड्स में, तो यार आएंगे तो 34 का एवरेज है टीम में हम जरूर पिक करेंगे। वेन्यू को देखते हैं दोस्तों, वेन्यू पे दोस्तों उस्मान ख्वाजा ने 36 करोड़ से बैटिंग करी, 4 मैच में 109 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं यार उस्मान ख्वाजा को वाइस कैप्टन या कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं अगर प्लेइंग में शामिल होते हैं, तो यार इसलिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, फटाफट ज्वाइन करिए, टॉस के बाद अपडेट जो है वहां पर मैं शेयर कर देता हूं, एक टीम आपको शो करा देता हूं। देखिए मेरी पहली टीम रहेगी जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने प्लेइंग में आपको बताया मानुल बुझाने और उस्मान ख्वाजा, जहां तक चांसेस बहुत कम है प्लेइंग के, अगर वो खेलते हैं गाइस तो ये टीम रहने वाली है, ठीक है। अगर नहीं खेलेंगे तो यहां पे मैं उस्मान ख्वाजा जैसे ये दोनों नहीं खेलते हैं तो फिलहाल यहां पे मैं सैम हैक को भी ट्राई कर लूंगा एंड गाइस जो जॉर्डन सिल्क है उनको भी मैं ट्राई कर सकता हूं, और दूसरी टीम में देखिए कॉम्बिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन का बता दूं कि जेम्स बेजली को भी मैं ट्राई कर सकता हूं वाइस कैप्टन, और यहां पे वाइस कैप्टन मिचेल नेसर को भी ट्राई कर सकता हूं, और गाइड जो कैप्टन का कॉम्बिनेशन रहेगा वो मैट रेनर्स के ऊपर मैं दे सकता हूं, बट ये भी दोस्तों आपने रिसेंट देखा है प्लेइंग में जहां तक चांसेस इनके भी बहुत कम रहने वाले हैं, तो आप सोच रहे होंगे इतना डिफिकल्ट मैं क्यों बता रहा हूं प्लेइंग गाइस, टॉस के बाद आपको बताऊंगा, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मित्र नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।